हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड के प्रवक्ताओं शिक्षकों की न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर नियमावली में संशोधन होने वाला है कुछ विषय को लेकर। चलिए जानते हैं इसमें क्या है करके, और इसमें संशोधन होने के बाद ही नई भर्ती आने की प्रोसेसिंग चल सकती है, क्योंकि विभाग जो है कुछ नियमावली बदलाव कर रहे हैं। चलिए जानते हैं विभाग के द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया है। हालांकि अभी तक जो है भर्ती का जो प्रोसेसिंग चला हुआ था वो पेंडिंग में है, और कब आएगी कुछ कह तो नहीं सकते हैं न्यू भर्ती, लेकिन यहाँ पर नियमावली चेंज करने की बात कही है, उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। उत्तराखंड में जो लोक सेवा आयोग जो है प्रवक्ता भर्ती करवाता है, उस प्रवक्ता भर्ती में अब आपके कुछ चीज़ें जो है चेंज हो जाएंगी। इसके लिए यहाँ पर विशेष अधीनस्थ प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली की जो है यहाँ पर की जाएगी संशोधन। तो अब सेवा नियमावली प्रवक्ताओं में चेंज करने वाले हैं। इसके लिए वनस्पति विज्ञान की कई शाखाओं को जो है नियमावली में किया जाएगा सम्मिलित। तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान में कई शाखाओं को सम्मिलित करने वाले हैं। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन होगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से नया संशोधन होगा, और इसमें बताया गया नियमावली में अब यहाँ पर जो है चौथे संशोधन होगा। चौथा संशोधन करने की बात कही है शिक्षा सचिव रवीना रमन के मुताबिक वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान की कोई शाखा जो कई शाखाएं हैं इसको यहाँ पर नियमावली में सम्मिलित किया जाएगा, और नियमावली में संशोधन का यहाँ प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। और प्रदेश में बताया गया है कि सरकारी स्कूल में जो प्रवक्ता हैं उनके लिए सेवा नियमावली बनी है, और विभाग ने यहाँ पर जो है अधिकारियों के मुताबिक जो है इससे पहले यहाँ पर नियमावली सितंबर 2019 में संशोधन किया गया था, और इसके बाद जो है एक बार फिर कुछ जरूरी संशोधन किए जा रहे हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया, तो शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसमें कुछ नियमावली अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और निदेशालय ने भेजा प्रस्ताव, कहा है कि यहाँ पर निदेशक जो माध्यमिक शिक्षा है सीमा जॉनसन, उन्होंने कहा कि प्रवक्ता सेवा नियमावली में संशोधन के लिए शासन की ओर से यहाँ पर जो है एक कमेटी गठित की गई थी, और परीक्षण के बाद जो है कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और इसमें कहा है कि एडवांस बॉटनी और यहाँ पर एडवांस जियोलॉजी की जो है नियमावली में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने भी यहाँ पर जो है स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। लोक सेवा आयोग क्योंकि भर्ती करता है उसमें स्थिति स्पष्ट करने के लिए इसने कहा था, और निर्देशालय की ओर से यहाँ जो शासन को जो है इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है, और 42 वर्ष तक जो है के लिए खुला था भर्ती रास्ता। तो यहाँ भर्ती का जो यहाँ पर रास्ता था 42 वर्ष तक के लिए यहाँ पर खुला था। इसके लिए बताया गया लोक सेवा आयोग की ओर से जो यहाँ पर नियमावली होती है इसमें भर्ती निकालते 2019 में संशोधन में जो है 42 साल तक जो है अभ्यर्थियों का जो है प्रवक्ता बनने का रास्ता खुला था। इसके अलावा यहाँ पर जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए इस पद पर जो है आरक्षण किए गए थे, तो यहाँ पर आरक्षित किए गए थे इस तरह का बताया गया।